हे गाइस, दोस्तों पैन वेलकम बैक टू चैनल। तो आज है संडे और आज हम जा रहे हैं फ्लाइंग क्लब, बिकॉज हमारा बीच में एक दिन वर्किंग हो गया था। एंड आज बहुत ही स्पेशल फ्लाइट है, एक धाकड़ जो है वो जा रहा है वाइजैग वेया नागपुर, बिकॉज ये लोग मतलब पहले नागपुर जाएंगे, नागपुर से रिफ्यूलिंग कराएंगे, फिर वाइजैग जाएंगे। तो एक बहुत ही स्पेशल क्रॉस कंट्री फ्लाइट है, बिकॉज ऐसी क्रॉस कंट्री हर किसी को करने को नहीं मिलती। एंड इट इज़ लाइक कि बहुत ही ज़्यादा रेयर चांसेस होते हैं कि आपको इतनी बड़ी क्रॉस कंट्री करने को मिले। तो वो मल्टी लेके जा रहा है, ठीक है। तो रात से मैं आईपैड वगैरह अपना अपडेट कर रहा था, बिकॉज उसको अप्रोच चार्ट चाहिए थे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फ्लाइंग क्लब, वहाँ चल के तुम लोगों को दिखाते हैं कैसे क्या प्रेप वगैरह किया। एक हफ्ते से हम लोग यही प्रिपरेशन कर रहे थे, उसीलिए मतलब बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे भी हो रखी थी। तो अभी निकलते हैं फटाफट फ्लाइंग क्लब के लिए। एंड संडे वर्किंग है, थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ मैं, बट चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने ले लिया मेरा आईपैड, उसको चार्ज दे दूंगा। चलो भाई चलते हैं। गाइस धाकड़ भड़क रहा है फ्लाइंग क्लब पे, अभी फोन आया उसका, यार भाई इतनी देर से तू लेट कर रहा है। यार मेरा क्या, अभी हाथ पे थोड़ी सी लग गई थी और रात से मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ऑफ है, बिकॉज पता नहीं क्यों मैंने लंच में क्या खाया था कल, मेरा सिर दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा उसके बाद से। और फिर मैं वर्कआउट करके आ गया, मैंने कहा ठीक है एटलीस्ट वर्कआउट स्किप ना हो, बट बहुत तबीयत ख़राब थी, अजीब सा हो रहा था रात में। एंड मेरे राइट पैर में पेन भी बहुत है काफ़ी दिनों से, तो इट वॉज़ लाइक कि एक बहुत ज़्यादा वो हो रखा था। बट अभी जा रहे हैं, ऐसे रोड इतनी खाली खाली लग रही है ना यार संडे को, मतलब ऐसा लग रहा है मैं ही जा रहा हूँ। कभी कभी होता था कि स्कूल टाइम पे संडे को प्रैक्टिसेस के लिए बुलाते थे तो वैसा फील होता था, वैसा हो रहा है। भाई धाकड़ यहीं खड़ा हुआ और ऐसे घूर रहा है ना मेरे को। तो ये लोग ये वाला एयरक्राफ्ट लेके जा रहे हैं, दिस इज देयर। ये लोग निकल चुके हैं और मैं ये गाने चल रहे हैं, गाने में फोन कर, ठीक है मैं अपना फ्लाइट प्लान फाइल कर रहा हूँ अभी, मैं तो प्लान डाल के रख देता हूँ, देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। तो मैं भी लंच करके आया था, उसके बाद धाकड़ वगैरह अराउंड नागपुर पहुंचे थे। तो उसके बाद हम लोगों का थोड़ा सा FICADC वगैरह लिया। FICADC वगैरह क्या होता है वो सब मैं हम तुम लोगों को थोड़े दिन किस दिन बैठ के आराम से बताएंगे। अभी मैं जा रहा हूँ सेक्टर पे, तो मैंने अपना सेक्टर के लिए सारी चीज़ें रेडी कर ली है, मैं तुम लोगों को एक बार ही दिखाता हूँ, ठीक है। मैं पूरी अपनी प्लानिंग कर रहा था जाने से पहले, एक बार लाइट ऑन कर लेते हैं, फिर तुम लोगों को दिखाता हूँ सेक्टर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये प्रोजेक्टर चल रहा था। ओके, तो ये है मेरा लाइसेंस फोल्डर, इसमें सारे लाइसेंसेस वगैरह सब रखे हुए हैं, ठीक है। एंड ये मेरे सेक्टर के नोट्स, ये सेक्टर शीट, इस पर मैंने FICADC लिख लिया है जो मेरा आ गया था, प्लान मेरा फाइल्ड है ऑलरेडी। एंड उसके अलावा वॉच मैंने पहन रखी है एंड बाकी सब चीज़ें रेडी हैं। मेरे एविएटर्स इधर रखे हुए हैं, आईपैड ले जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज अप्रोचेज नहीं करने वाले हम। तो बेसिकली व्हाट सेक्टर फ्लाइंग इज, सेक्टर फ्लाइंग इज मिनी क्रॉस कंट्री। तो इसमें हम 25 नॉटिकल माइल्स तक जाते हैं क्रॉस कंट्री में, लाइक 90 जाते हैं या फिर बड़ी क्रॉस कंट्रीज में 120, 300, 250 ऐसे जाते हैं। तो इसमें हम 25 नॉटिकल माइल्स जाते हैं एंड एक सेक्टर पे VOR से रेडियल्स लेके हम लोग रेडियल पे फ्लाई करते हैं एंड चेक पॉइंट्स वगैरह बिल्कुल वैसे ही करते हैं, बट दिस इज़ मोस्टली VFR। तो VFR मतलब विजुअल, कोई इंस्ट्रूमेंट्स के उससे ज़्यादा नहीं करते हम सब। VOR के रिस्पेक्ट में एक रेडियल पकड़ के हम चले जाते हैं, वही रेडियल पकड़ के या जो भी ATC क्लियरेंस थे उस हिसाब से चले जाते हैं। तो अभी बस मैं एयरक्राफ्ट की वेट कर रहा हूँ, उसके बाद रिफ्यूलिंग करा के एंड आई लीव फॉर सेक्टर। तो देखते हैं अभी क्या होता है, कैसे होता है। तो थोड़ा बहुत पढ़ लो उसके बाद।
सेक्टर के लिए ना हम लोग SIC ADC ऐसे हाथ पे लिख लेते हैं यहाँ पे, ताकि जितनी बार भी मतलब ATC मेरे से पूछे तो मैं PTT दबा रहा हूँ या मेरा हाथ कंट्रोल कॉलम पे है, तो मेरे को यहाँ पे SIC ADC दिखता है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया है SIC ADC, प्लान मेरा फाइल्ड है एंड बस हम एयरक्राफ्ट की वेट कर रहे हैं। बेसिकली ये हमारा कुछ सेक्टर फ्लाइंग का नोट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, तो ये हमारा रनवे है, ये हमारा VOR है, ये सारे रेडियल्स निकल रहे हैं। तो जैसे मैं अभी कल परसों गया था तो मैं 020 रेडियल पे आउटबाउंड गया था एंड देन 020 पे ही इनबाउंड आया था, तो ऐसे कोई भी एक रेडियल मिल जाएगा जिस पे मेरे को आउटबाउंड या आउटबाउंड जाना है और इनबाउंड आना है। तो दिस इज़ बेसिकली व्हाट सेक्टर फ्लाइंग इज। मेरा सामान मैंने ले लिया है। गाइस जस्ट केम फ्रॉम अ फ्लाइट, सेक्टर हो क्या है, बहुत मज़ा आया। जैसे अभी अभी आए हैं, थक गए हैं, घर जा रहे हैं, जिम आज जाना नहीं है, देखते हैं क्या प्लान बनता है, किसी दोस्त वोस्त से मिल के आएंगे, ठीक है। एंड अभी मैं आया तो शांतनु चाचू मिल गए एंड वो CM को लेने आए हुए थे। ये तो अंधेरा इतना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने मिले, हमने बात बात करी, अब मैं जा रहा हूँ बस घर, उसके बाद तुम लोगों से बात करते हैं बिकॉज विस्की को खाना खिलाना है। Day 2। Hey guys, what's up and welcome back to channel। I know guys, vlogs थोड़े से अजीब तरीके से आ रहे हैं, मतलब कुछ भी मिक्स मैच आ रहा है, बट ठीक है, मैं अपलोड करने के लिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा इन्फो मिलता रहे, बिकॉज मैं अभी बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ। अभी जा रहा हूँ सिम सेशन के लिए फ्लाइंग क्लब, बिकॉज अभी 2 दिन फ्लाइंग नहीं है एंड 2 दिन से फर्स्ट सिर्फ सिमुलेटर है मेरा। तो ऑल दो मेरे साथ एक मतलब सिम पार्टनर है गौतम, बट आई डोंट नो वो आएगा कि नहीं, उसका कुछ कंफर्म नहीं है। तो चल के देखते हैं, अभी निकलते हैं फटाफट एंड अभी 1-2 दिन तुम लोग को सिम मैम का दिखाते हैं कैसे सिम होता है और क्या कुछ ये सब है ना। ठीक है, तो आईपैड ले लेते हैं अपना, ये नोट्स वगैरह ले लेते हैं। चलो भाई, ले लिए अपनी कॉफ़ी और ये था मेरा ट्रैकिंग बैग, बिकॉज मैं आजकल ट्रैकिंग बैग लेके फ्लाइट क्लब जा रहा हूँ। मैंने कहा यार बड़ा हुआ या कुछ ऐसा क्या लेके जाना, ट्रैकिंग बैग लेके चलते हैं। चलो लेट हो रहे हैं। थोड़ा सा भी लेट हो रहे हो ना आप कहीं जाने के लिए और ऐसे बेवकूफ लोग गाड़ी चलाते हुए मिले ना, इतनी खुंदक मचती है, कुछ कहने की हद नहीं है। बात तो सही है। मतलब क्या है यार, ना राइट देखते ना लेफ्ट देते ना कोई इंडिकेशन, सीधा ब्रेक मार लेंगे या तो सीधा टर्न मार लेंगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? मतलब एक फिक्स स्पीड पे भी मैं गाड़ी नहीं चला सकता एक पर्टिकुलर टाइम पे, इतने बुरे हाल हो रखे हैं। 9:37 हो रहा है, 9:30 पे मेरे को पहुंचना था। आई एम अ बिट लेट एंड आई एक्सेप्ट दैट फैक्ट। अच्छा है, आई एम ऑन टाइम। और कृष्णा सर जो हमारे सिम इंस्ट्रक्टर हैं वो नहीं आए हैं अभी तक, मैंने अभी देखी उनकी गाड़ी तो टाइम ओके। अपने पास ले लेते हैं गाइस। आज थोड़ी थोड़ी सी ठंड लग रही थी मेरे को मॉर्निंग में, नहीं तो मैं इतने दिन से विदाउट जैकेट ही जा रहा हूँ, बट ठीक है।